तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और इस कोर्स का एक पहला प्रैक्टिकल क्लास है जिसमें हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटा सिलेक्शन मेथड। तो आपको हम पहले ही दिन डेटा सिलेक्शन मेथड क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि तो आपको काम तो करना है ऑफिस के अंदर एक डेटा के ऊपर। देखिए इसमें क्या होता है कि आप MIS में जाते हैं तो आपको डेटा एंट्री बहुत कम करनी पड़ती है, डेटा बना बनाया डेटा आपके पास आता है, उसको ठीक ठाक करके एनालाइज करना होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल डिफरेंट डिफरेंट टूल से। तो डेटा एंट्री बगैर करना तो आप जानते हैं कि एक्सेल में मुझे कैसे डेटा एंट्री करना है, ये तो बड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन डेटा को सिलेक्ट करना थोड़ा सा एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि डेटा अगर आपके पास सिंपल है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपके पास जो ऑफिस में डेटा आता है वो मोर देन 50,000 5 लाख 8 लाख इस तरह का डेटा आएगा, उसमें बहुत सही डेटा जो होगा कि सही तरीके से अरेंज नहीं होगा, तो उसको आप सिलेक्ट करने के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो फीचर्स वर्क तभी करते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, वो फीचर्स तभी आपको परफॉर्म करेगा। जब आपका डेटा सिलेक्शन होगा, मान लीजिए मुझे कॉपी करना है, तो क्या आप बिना डेटा को सिलेक्ट किए कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको फॉर्मेटिंग कलर बॉर्डर सब अप्लाई करनी है तो पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना है, कंडीशनल वर्डिंग कीवर्ड फिल्टर एनीथिंग अप्लाई करनी है, तो नीड टू सिलेक्ट योर डेटा। अगर डेटा को आप प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करते हैं तो एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है, और छोटी सी दिक्कत क्या होगी कि वो फिर वो आपका प्रॉपर डेटा पे अप्लाई नहीं होगा। तो सो सिलेक्ट करने की बात करते हैं, तो मैनुअल सिलेक्शन तो आप करते हैं कि आप यहाँ पे कर्सर रखा और शिफ्ट के साथ एरो की इस्तेमाल करते हो तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है, या फिर माउस पॉइंटर से क्लिक होल्ड करते हुए आप नीचे की तरफ आते हैं तो वो सिलेक्शन हो जाता है। ये तो मैनुअल सिलेक्शन हुई, तो इसमें डायनेमिक क्या है जो जल्दी हो जाए, तो माउस की हम बात करते हैं। अगर आपने इसमें माउस पे क्लिक किया स्टार्टिंग पे और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने एंडिंग पे क्लिक किया तो आपका डेटा एक बार में ही पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक ही बार में आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, अगर कीबोर्ड की बात हुई तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, बट एक बार, अगर आपने दो बार कंट्रोल प्रेस कर दिया तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। और माउस से पूरी सीट सिलेक्ट करनी हो तो क्या करना है, वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंट्रोल ए जो आप करते हैं वो क्या होता है, एक करेंट रीजन होता है। होम मेनू बार में अगर आप जाते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू ए स्पेशल, यहां आपको देता है ऑप्शन द करेंट रीजन पूरा डेटा सिलेक्ट करने का। बट कंट्रोल ए या करेंट रीजन आप करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम होने की चांसेस होता है। जैसे देखिए मैंने कुछ फालतू डेटा भी ऐड कर रखा है, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा सिलेक्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल ए को बोला जाता है सिलेक्ट द यूज्ड सेल, सिलेक्ट द यूज्ड सेल, तो जो यूज्ड सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया। बट ये तो रफ रफ डेटा था, हमें तो डेट सिलेक्ट यहाँ आई कॉलम तक ही करना था, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे स्टार्टिंग कॉलम पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम राइट एरो प्रेस करते हैं एंड डाउन एरो प्रेस करते हैं तो मेरा कंटिन्यूस डेटा सिलेक्ट होता है।
मतलब कि आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, जैसे मुझे कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना है तो एक ही क्लिक करके ले जाना के बजाय मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल के साथ एरो राइट एरो प्रेस करूंगा तो सबसे राइट में चला जाऊंगा, डाउन एरो तो डाउन में चला जाऊंगा, लेफ्ट अप, इस तरह से कंट्रोल प्रेस करते हुए एरो की इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे कर्सर रखा, अब मैं कंट्रोल डाउन करूंगा तो सबसे लास्ट में आ जाऊंगा। ये कहता है सीरीज होता है, जैसे मान लीजिए अभी कहाँ पहुंचा, ब्लैंक पे, अब यहाँ से जब डायल करेंगे तो सबसे ऊपर पहुंचे या सबसे नीचे जाए, मतलब कि जहां पे हमारा फिल है, मतलब फिल और ब्लैंक दो सीरीज को फॉलो करता है। अगर बीच में कहीं पे डिलीट हो गया, मतलब डेटा ब्लैंक हो गया, तो ऊपर से नीचे आके रह जाएगा या फिर नीचे से ऊपर आके रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ब्लैंक हो रही है। सेम चीज अगर हम कंट्रोल एरो यूज करते हैं तो कंट्रोल एरो के साथ मैं कंट्रोल शिफ्ट इस्तेमाल करूंगा तो फिर सबसे लास्ट में एंड सबसे डाउन में आ जाऊंगा। लेकिन मैं सबसे अच्छा करता हूं कि मैंने ऊपर माउस पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक कर लिया, किसी भी चीज का झंझट ही नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि ये डेटा है। अब ये डेटा है तो नॉर्मल टाइप किया हुआ, लेकिन कहीं कहीं पे फॉर्मूला से कैलकुलेट है, जैसे कि मैंने यहां पे कर दिया फॉर्मूला। मतलब कि मैंने क्या किया कि ऊपर वाली सेल वैल्यू में G9 में हमने प्लस कर दिया 50 और रिजल्ट था। अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है ताकि इसको मैं हाईलाइट या कलर या कुछ ऐसा कर सकूं। तो आप मैनुअली करोगे तो एक एक में जाके देखना होगा फॉर्मूला बार में कहां फॉर्मूला लगा हुआ है। तो यही पे फाइंड एंड सिलेक्ट, जहां पे आपने कंट्रोल ये किया था, करंट रीजन किया था, उसी में देखिए फॉर्मूला और फॉर्मूला के रिजल्ट टाइप कि नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल या एरर। मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया ओके, तो जहां जहां फॉर्मूला लगा है वो वहां वहां सिलेक्ट कर दिया। तो इस सिलेक्शन में क्या कहते हैं, मल्टी सेल सिलेक्ट। जैसे मुझे गिना चुना सेल को सिलेक्ट करना है तो मैंने यहां पे कर्सर रखा, क्लिक किया, फिर जहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम कर्सर रख के इसका यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी सेल सिलेक्ट। लेकिन अगर सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी के अलावा कुछ और करते तो ठीक है, लेकिन कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए मुझे तीन को कॉपी करना है तो मैं इसको तीन को कॉपी आसानी से कर सकता हूं। ठीक है सर, मल्टी सिलेक्ट कैसे हो रहा है, ये फाइंड एंड इधर से जाके हो रहा है उसके बाद, क्योंकि वो तो समझ में आ गया जब आपने ये देखिए क्या है फॉर्मूला वाला सेल सिलेक्ट किया है, बट मल्टी सेल सिलेक्ट करना है ना, तो जहां जहां सिलेक्ट करना वहां सिलेक्ट करना, मुझे यहां सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा। अगर कंट्रोल प्रेस नहीं किया तो क्या हुआ कि यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां की जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हेलो आप कर दी मीन, हाँ हाँ तो इसलिए आप कंट्रोल के साथ करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर करते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं ना। यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करके कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो आपने भले ही सिलेक्शन जो किया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट किया हुआ है, उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब पेस्ट होगा तो कंटिन्यूअस पेस्ट होगा। अब यही प्रॉब्लम है कि जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तीन को, फिर शिफ्ट को प्रेस किया और फिर मैंने दो को सिलेक्ट किया, फिर नीचे मैंने तीन को दो को कर दिया। अब मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करेंगे तो यार दिस एक्शन नॉट वर्किंग मल्टीपल सिलेक्शन, बट मुझे कॉपी करना। तो देखिए रूल क्या कहता है कि ऊपर आपने तीन किया हुआ है तो नीचे भी आपको तीन करना है। रजनीकांत जी मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी हाँ आ रही है। मैं वेट किया लेकिन फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दिया।
और मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन सिखाता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन करने के बाद ही तो बाकी कुछ करते हैं, चाहे फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेट हो, फिल्टर हो, पिवट हो, एनीथिंग। तो फर्स्ट रिक्वायर द सिलेक्शन। तो डेटा को किस तरह से सिलेक्ट, किस किस तरह से सिलेक्ट करें, ये हम आज की टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऊपर आपका तीन है और नीचे तीन है, तो तीनों को अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, देन इसे कॉपी होगा और फिर पेस्ट किया। तो जितना ऊपर जिस सीक्वेंस में किया हुआ उसी सीक्वेंस में नीचे भी होना चाहिए। एक से ज्यादा रो करते हैं, तो एक रो में अगर जितना करना कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। जैसे आपने दूसरा रो लिया, तो ये आपको वो जिस कॉलम में सिलेक्ट किया हुआ है, जितना रो सिलेक्ट किया हुआ है उतना पूरा आपको लेना होगा। देन उसको आप कॉपी करके, कॉपी करने के कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं तो पता ही होगा आपको, और इसको पेस्ट करते हैं। आपने इसको एरिया सिलेक्ट कर लिया, यहां पे कर लिया और ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसको कॉपी नहीं कर सकते, राइट? अलग अलग सेलेक्ट कैसे होता है? कंट्रोल प्रेस कर दिया, इसने क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके इसको कर दिया। बिल्कुल हो रहा है। कुछ पूछना है कोमल जी आपको? कोमल जी, लगा कोमल जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए अब दूसरा इसमें आता है कि जब आप फिल्टर करते हैं, एक 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 प्रॉब्लम और भी है, जो कि मेरे पास इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप, हेलो प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने फिल्टर किया, मान लीजिए हम फिल्टर मतलब क्या होता है, और एक फिल्टर कैसे क्या करते हैं इसके बारे में आगे समझाएंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ सिलेक्शन। फिल्टर किया तो मुझे इसकी डेटा को कॉपी करना है, तो मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, जहां पेस्ट करना है पेस्ट कर दिया, सीट पे अनदर सीट पे कहीं भी। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि पीछे का डेटा भी कॉपी होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा इस तरह से कि जैसे हम लिया, तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करता है कि जो डेटा आपके कंडीशन में नहीं है उसको हाइड कर देता है। लेकिन जब इसको कॉपी करते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कुछ टाइम पे ये आपको पूरा कॉपी कर देता है। तो आप जब भी फिल्टर के डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर रहे हो, तो उससे पहले आप फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल में यहां विजुअल सेंस जरूर कर, राइट? विजुअल सेल्स को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। अब इसको कॉपी करके जहां पेस्ट करना चाहें वहां पेस्ट कर सकते। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है जो मुझे बराबर पूछते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए जैसे मैं बताया आपको कि आप अलग अलग कॉपी करेंगे, क्योंकि जो आप पेस्ट करेंगे वो पेस्ट सीक्वेंस होगा ना, क्या संदीप जी? संदीप जी, कि अगर आप अलग अलग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो सीक्वेंस नहीं होगा ना। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने 21 लिया, 60 लिया, 90 लिया और 10 लिया, अब मैं इसको कॉपी करूंगा एक ही जगह कॉपी होगा। लेकिन जब फिल्टर होता है हमारा, तो फिल्टर में भी मान लीजिए मैंने 10 लिया, 20 लिया और 50 लिया, तीन ले लिया हमने। अब मैं इसको मान लीजिए कॉपी करूंगा, राइट? और कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट करना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है? फॉलो ना भी ना यहां पे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि 16, 18 और 20 है ना सर। जब वो पेस्ट मान लीजिए मैंने मन में पेस्ट कर भी दिया, पेस्ट हो भी गया, तो दिख रहा दो ही हुआ, क्योंकि उसने 16, 17 और 18 पे प्रेस कर दिया, समझे? क्योंकि
कॉपी भले ही अलग अलग जगह से कर सकता है, लेकिन पेस्ट वो एक ही जगह पे करेगा। लेकिन ये रूल सिर्फ मल्टीपल्स के लिए होता है, लेकिन मान लीजिए ना कि मुझे इस 50 को लेके सब पे पेस्ट करना है, तो आप आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं, तो देखिए सिलेक्शन कहां पे लगा हुआ। इसने 50 को तीन जगह ही पेस्ट किया है, देखा। लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए आपको ऐसा लगे कि हमारा डेटा ऐसे नहीं बैकग्राउंड डेटा भी रिप्लेस हो जाए, तो जब आप एक में 19 को पेस्ट करना मान लीजिए यहाँ पे, तो पेस्ट करने से पहले फाइन एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल पे जाएं और यहाँ विजुअल सेल्स को सिलेक्ट करें और फिर पेस्ट करें। तो सिंगल सेल को आप मल्टीपल अलग अलग सेल्स पे पेस्ट आसानी से कर सकते हैं, राइट। लेकिन मल्टीपल सेल्स को मल्टीपल सेल में पेस्ट नहीं कर सकते हो, इसका ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और मुझे यहां पेस्ट करना है, यहां पेस्ट करना, यहां पेस्ट करना, यहां करना, यहां करना, यहां करना, तो मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं, पेस्ट हो गया। तो कैसे किया कि मैंने जहां से मुझे जो कॉपी करना था उस एरिया को हमने कॉपी कर लिया और फिर मैं जहां जहां मुझे चाहिए पेस्ट चाहिए करना है वहां वहां मैं सेलेक्ट कर लिया और यहां पे हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। या फिर आप मान लीजिए कि पेस्ट नहीं करना, मुझे टाइप करना है, मुझे एक वैल्यू है 100, मुझे 8 जगह पे 100 टाइप करना है, तो मैं ऐसे 100 फिर यहां फिर 100 इस तरह से नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा जहां जहां मुझे 100 लिखना है। फिर अभी सिलेक्शन कई सारे हैं, लेकिन मैं टाइप किसी एक पे कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे 100 टाइप कर। लेकिन टाइप करने के बाद मैं यहां पे एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं यहां पे करूंगा कंट्रोल एंटर। जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, ये 100 जितना भी सिलेक्टेड सेल है सब पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने एक एरिया सिलेक्ट कर रखा है, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो, कंटिन्यूस हो या फिर मल्टीपल हो, आप कोई भी टाइप एक सेल में टाइप कर सकते हो जो आपका एक्टिव हो। तो सिलेक्टेड तो आपका बहुत B24 से लेके C28 तक है, बट आपका एक्टिव कौन सा है, B24। तो मैं यहां पे अगर 200 टाइप किया तो B24 पे टाइप हुआ, अगर मैंने नॉर्मल एंटर मार दिया तो फिर नीचे कर्सर आ जाएगा C25 पे और यहां पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें कंट्रोल एंटर मार दिया तो जितना भी सिलेक्टेड है सब पे वो चीज पेस्ट हो जाएगी। तो अब ऐसा सिलेक्शन करके भी किया जाता है, जी यहां किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए आपको एंट्री करनी है 100, तो एंटर मारते कर्सर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर इसमें टाइप करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो हर एंट्री पे आपका 1 सेकंड बर्बाद हो रहा है। तो आप कॉलर रो सेलेक्ट कर लें और यहां पे एंट्री करते जाए, अब एंटर मारेंगे तो कर्सर डाउन में नहीं आए, ये आपका कर्सर राइट में जाएगा, क्योंकि हमें हमारा टाइपिंग भी सेम इसमें होगा। इसका यूज हम लोग करते थे अपने डेटा में, मैं एक चार कंपनी में था, तो मुझे मेरा काम था कि जो भी ज्वाइनिंग होती थी उनकी रिज्यूम उसकी डेटा जो होती थी अपने एम्प्लॉय डेटाबेस में एक्सेल में एंट्री करनी होती थी उसे बहुत सारे कॉलम थे, सिर्फ 150 कॉलम थे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि एंट्री करते करते समय ये हम कंफ्यूज हो जाते थे कि एंट्री किसका कर रहे हैं, अगर चेंज वगैरह करना हुआ, कुछ ऐसा करना हुआ, क्योंकि वो आगे की तरफ चला जाता था तो किसकी एंट्री कर रहे हैं वो पता ही नहीं चलता था, फिर वापस आके देखना पड़ता था या फिर पेंस लगाना पड़ता था, तो स्क्रीन छोटा हो जाता था, तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी। Thank you.
ठीक है सर। तो नेगी जी, कोमल जी एंड रजनीकांत जी और बाकी लोग भी, सबका नाम मैं ले रहा हूं, आप लोगों को डाउट या क्वेश्चन है सिलेक्शन से? नहीं सर, बढ़िया। और रजनीकांत जी आपको? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करना है? सेलेक्ट कर लिया वैल्यूज को, तो उसमें हम एक ही बार चेंज कर रहे हैं वैल्यू, तो कैसे करेंगे? जैसे कि एक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए एक एरिया सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे अगर 54 लिखा, ठीक है ना, तो अगर मैं नॉर्मल एंटर करूंगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर करूंगा तो जितनी भी सिलेक्टेड है वो सब में वो चीज एंट्री हो जाएगी, चाहे वो वैल्यू हो या फॉर्मूला। Okay. इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में, समझ गए? बिल्कुल। और कोई डाउट? अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कंट्रोल पे डाउन, कंट्रोल एरो और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, शॉर्टकट्स वो तो दिमाग में रहेगी नहीं आपके, क्या कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, एरो डाउन, एरो की, कंट्रोल ए, डबल बार क्लिक करने पे पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ये सब चीजें आपको याद नहीं रहेगी और आपने नोट भी नहीं किया होगा, क्या मोहित जी, संदीप जी एंड रजनीकांत जी, बाकी मिल गए? तो इसमें क्या होगा कि इसको करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ टेल मी मोर पे जाएं और यहां पे आप क्या करें, शॉर्टकट को सर्च करें, शॉर्टकट। ईशा जी अभी क्लास 10 मिनट में है और शॉर्टकट में यहां पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट एंड फंक्शन की, ठीक है? कहां पे गए? एक बार फिर से दिखलाइए। ऊपर दिख रहा है ना, टेल मी मोड जो होता है, हेल्प का बटन होता है, एक्सेल हेल्प की बात कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं होता तो एफ1 प्रेस कर लीजिए, आपको हेल्प खुल के आ जाएगा, यहाँ सर्च कर लीजिए और यहाँ पे आपके सारे कीबोर्ड के लिस्ट है, अब इसको अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कुछ बना लीजिएगा, तभी जाके समझ में आपको आएगा। और इस पे हम डिस्कशन जो है कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है, निकाल लीजिए, कल मिलते हैं 9 बजे साथ, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।